भारत जोड़ो यात्रा के छत्तीसगढ़ संयोजक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भारत जोड़ो यात्रा के 12 दिन में दिन अंबिकापुर ग्राम फतेहपुर में सुखरी तक पैदल यात्रा की। इस दौरान लोगों से उनकी समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने नव उन्नयत हाई स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम कर रही है। सरकार साधन और संसाधन उपलब्ध करा सकती है, इसका इस्तेमाल करना आप सभी की जिम्मेदारी है। यहां से पदयात्रा करते हुए कांग्रेसी सुखरी सपना पहुंचे। भारत जोड़ो का नारा लगाते हुए पदयात्रियों का रास्ते में जगह जगह स्वागत किया गया। गरीबी में इजाफा, रोजगार कम, महंगाई अधिक, ये सारी जो परिस्थितियां बनी हैं देश में, उसको ध्यान में रख के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय किया कि देश एक दूसरे से हम लगता है कि दूर चले जा रहे हैं, तो जोड़ने के लिहाज से कि हम एक हैं, हम सब भारतवासी एक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये पदयात्रा का आयोजन हो रहा है।